हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है उन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके साथ ही हम कुछ कॉइन्स की प्राइस एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ चार्ट्स के ऊपर मैं देख के समझ के आप लोग के सामने लेके आता हूँ, ताकि आप लोग भी उसको देख कर समझ कर अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आने वाले मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ 2019, ये जो हमारा करंट ईयर है जो अभी स्टार्ट हो चुका है, और जनवरी 15 तारीख है आज और महीने का आधे दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये साल एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी के लिए कैसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम डेली बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, 2018 हमने देखा है, उसमें हम लोग ने बहुत आस लगाई थी कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं आया। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता था फिर नीचे जाता था, तो मैंने खुद भी अपनी काफ़ी प्रेडिक्शंस की थी कि हाँ मार्केट इस हिसाब से अब नवंबर आ रहा है तो हो सकता है 7,000, 8,000 या 10,000 के आसपास जाएगा, लेकिन पहुँचते पहुँचते वहाँ तक रुक जाता है। कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आती है, मार्केट में रूमर्स आते हैं और वापस से डंप हो जाता है। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि सबसे पहले जो एक हमारा आया था 2014 में डेथ क्रॉस आया था। डेथ क्रॉस जो था वो काफ़ी लंबा गया था, उसके बाद से गोल्डन क्रॉस आया था, फिर वहाँ से काफ़ी अच्छी रैली गई थी, उसके बाद से वापस से मार्च के आसपास 2018 में आया था डेथ क्रॉस आया था, और अब गोल्डन क्रॉस कब आएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये साल में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का रेट जाएगा, और क्या इस साल ऑल्ट कॉइन्स की रैली किस हिसाब से चलेगी, क्या ऑल्ट कॉइन्स वापस से परफॉर्म करेंगे, आईसीओस कैसा परफॉर्म करेंगे इस साल। और हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। ओके, तो इस वीडियो के अंदर देखिए जो भी चीज़ है वो मैं फैक्ट चीज़ को लेकर पकड़ के चलूंगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो उसकी नेगेटिविटी को देखा जाता है कि कितना नेगेटिव जा सकता है। अच्छा जाएगा तो फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ पता हो या कहाँ तक वो ऊपर नीचे जाएगा अगर वो आपको पता है, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बना लेते हैं, अपना फंड उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, कितना रिस्क हो सकता है और कितना वक्त लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने बहुत ज़रूरी है। और इस समय जो चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है और जो मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से मैनिपुलेशंस हो रही हैं, जिस हिसाब से वक्त की न्यूज़ आती है, ETF की न्यूज़ आती है कि हाँ वो जैन में स्टार्ट हो जाएगा या फैब में स्टार्ट होने वाला है, फिर वो डिलेड हो जाता है, और इसके साथ और भी न्यूज़ आती हैं कि ट्रॉन की ये डेवलपमेंट हो रही है, इथेरियम की ये डेवलपमेंट हो रही है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चलेगा, सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। फटाफट चार्ट्स के ऊपर बता दूंगा सारी चीज़ें, शॉर्ट में बताऊंगा, इन डीप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि अभी एग्जैक्टली मुझे क्या दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर और किस हिसाब से मैं 2019 को देखता हूँ। उसके बाद आप लोग अपनी भी स्टडी करना और ये मुझे बताना कमेंट के अंदर कि आप लोग एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं कि 2019 क्रिप्टो करेंसी के लिए कैसा जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है, ऑल्ट कॉइन्स कैसी परफॉर्म करेंगे, मतलब आपके दिमाग में जो भी चीज़ है। ठीक है, आप जिस हिसाब से मार्केट को देखते हैं उसी हिसाब से आप सोच के बताइए कि क्या जा सकता है, कैसे जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और पूरे सिनेरियो का एक हम ओवरलुक देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बताने से पहले ये कहूँगा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत सारे कॉल्स दिए थे, लगभग 13 ऑल्ट कॉइन्स दिए थे और वीडियो बनाई थी 8 बजे, लेकिन आप लोग के साथ शेयर मैं 10 बजे के आसपास कर पाया था। फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपने अच्छे लेवल पे एंट्री ले ली होगी और मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉइन्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। अगर एंट्री लेट भी ली होगी आपने तो भी लगभग 4 से 5% के आसपास प्रॉफिट मिला होगा, और कुछ कॉइन्स के अंदर लगभग 10% के आसपास भी प्रॉफिट मिला था। तो कॉइन्स बहुत सारे थे, और अगर कुछ कॉइन्स के अंदर आप वापस देखते हैं कि बॉटम पे आता है तो आप एंट्री ले सकते हैं उसके अंदर। और इसके बाद अभी देखिए जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे ही आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे क्या रहेगा, इंस्टेंटली आपको मालूम पड़ेगा और इंस्टेंटली आप एंट्री ले सकेंगे। ठीक है, तो कल मैंने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारे टारगेट्स इतने जल्दी पूरे हो जाएंगे, मुझे लगा था कि एटलीस्ट 2-3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन जो रात को जा लेकिन रात को जो था वो मार्केट थोड़ा ऊपर चले गया था जैसे कि आप और हम सब जानते हैं, और फिर वहाँ से उसने काफ़ी अच्छा ऑल्ट कॉइंस को भी मुनाफा दिया। और इसके साथ मैंने टेलीग्राम में आज जो वापस से डाला था कि किस तरह से बिटमैक्स पे मैंने शॉर्ट किया था और शॉर्ट करके काफ़ी अच्छी प्रॉफिट लिया था, और 50x पे मैंने शॉर्ट किया था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ यहाँ तक स्पाइक आएगा, यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी और वापस से यहाँ पे नीचे इतना पोजीशन आएगा, मुझे प्रॉफिट बुक करना है। उसी तरह वापस से मैंने लॉन्ग किया था। फिर तो फिलहाल आते हैं हम यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं, वन डे का चार्ट है, बिट स्टैम्प के ऊपर है,
और ये जो आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं ये है 2014, 2015 और 2016 का आप चार्ट सामने देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले कहते हैं कि 2014 को 2018 से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बात करते करते 2018 भी कंप्लीट हो गया और 2014 का जो सिनेरियो था पूरा जो चार्ट्स का था एग्जैक्टली 2018 में भी वैसे ही चला, मतलब पूरा डाउन ट्रेंड चला। जैसे जैसे डबल टॉप्स आए, जैसे जैसे ट्रिपल बॉटम्स आए, उसी हिसाब से भी 2018 के अंदर आया सब कुछ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 80-90% वैसे ही चला। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता हो नहीं पता हो कि दो चीज़ें होती हैं, डेथ क्रॉस होता है और गोल्डन क्रॉस होता है। डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस बहुत रेयरली देखने को मिलता है और जब भी ये आते हैं तो माना जाता है कि ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। डेथ क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब 200 मूविंग एवरेज जो होता है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है, मतलब उसके ऊपर से चले जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पर्पल कलर की जो लाइन है डेट इज़ 200 मूविंग एवरेजेस और येलो कलर की जो लाइन है वो 50 डेज की मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2014 का वक्त था वहाँ पे पर्पल ने येलो को क्रॉस किया था और यहाँ पे पूरी तरह से क्रॉस कर लिया, यानी कि यहाँ पे हो गया था पूरा डेथ क्रॉस हो गया था, यानी कि एक बियरिश ट्रेंड कह सकते हैं, हैवी बियरिश ट्रेंड कह सकते हैं जब इस तरह से होता है, मतलब 200 का जब 50 के ऊपर चले जाता है तो हैवी बियरिश ट्रेंड होता है। और उस हिसाब से आपने देखा था कि मार्केट पूरा नीचे की तरफ चला और ये जो डाउन ट्रेंड चला वो चला लगभग 417 दिन के आसपास चला। 417 दिन जो हो गया वो हो गया लगभग एक साल डेढ़ महीने के आसपास हो गया। और इस बीच में आप देख सकते हैं बहुत सारे जो मार्केट में उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हुए, रैलीज हुई हैं, नीचे के बॉटम भी हुआ जिस तरह से 2018 में भी हुआ था और फिर कहीं जाके जो हमारा गोल्डन क्रॉस था वो परफेक्टली रेडी हुआ। हमारा लगभग अक्टूबर 2015 के आसपास गोल्डन क्रॉस हमारा हुआ। गोल्डन क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि जब 50 मूविंग एवरेज जो होता है 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो वो गोल्डन क्रॉस होता है और ये एक बहुत बड़ा रिवर्सल होता है, बुलिश रिवर्सल होता है और यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। अब मैं सीधा आपको लेके आता हूँ 2018 और 19 का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च को हुआ था डेथ क्रॉस हुआ था, यानी कि 200 मूविंग एवरेज जो था उसने 50 को ओवरटेक कर लिया था, ऊपर चले गया था। उससे मैंने एक वीडियो भी डाला था कि डेथ क्रॉस होने वाला है और जल्दी हो जाएगा, अगर हो जाता है तो उसके बाद से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा। तो उस समय ये टच हुआ था, लेकिन टच होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मार्केट नीचे आया था 6,500 के आसपास आया था, फिर तुरंत वापस मार्केट ऊपर 9,800 के आसपास आ गया था। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने अटकलें ये भी लगाई थी कि डेथ क्रॉस का क्या हुआ, ठीक है ये तो आया चले गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मार्केट अच्छा ऊपर खासा जाएगा, अच्छी खासी रैली चलेगी। लेकिन जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये देख लिया था कि ये जो डेथ क्रॉस है ये कोई मामूली डेथ क्रॉस नहीं है, क्योंकि काफ़ी वाइड है और एक बार जब डेथ क्रॉस आ जाता है तो वो काफ़ी लंबा चलता है, नीचे की तरफ चलता है। और उसी हिसाब से देख सकते हैं मार्केट काफ़ी नीचे नीचे की तरफ चल रहा है। एक बार ऐसा लगा था कि यहाँ पे डेथ क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्लोज आ गए थे जो दोनों मूविंग एवरेजेस थे 200 और 50 के, दोनों पास आ गए थे, लेकिन वापस से वो वाइड हो गए और यहाँ पे ये नीचे आया था, 3100 का एक बॉटम टेस्ट हुआ था। ओके, तो अभी जो फ़िलहाल जो सिनेरियो है क्या लगता है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मुझे लग रहा है कि 3100 का जो मार्क है वो वापस से रीटेस्ट होगा। हो सकता है 3100 ना हो, शायद 3300 के आसपास आए, क्योंकि हमने इजीली देखा है कि एक दिन के अंदर कुछ घंटों के अंदर ही 3430 के आसपास या 3420 के आसपास मार्केट आ गया था। तो एक डबल बॉटम का हो सकता है सही से टेस्ट हो, सही डबल बॉटम नीचे बने और उसके बाद हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप पूछेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि डेथ क्रॉस कितने दिनों तक चलेगा, तो जैसे हमने देखा है कि देखिए 2014 जो था और 2018 लगभग सेम चले हैं, तो मैं 2015 को भी पकड़ूंगा, 2019 के लिए पकड़ूंगा कि लगभग उस हिसाब से सारी चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2015 कहाँ था, 2019 ये है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, कोई चीज़ नहीं बदली होती हैं, सारे इमोशंस वैसे होते हैं और सारी ट्रेडिंग की टेक्निक्स भी वैसे ही होती हैं और हिस्ट्री जो होती है ट्रेडिंग के अंदर हमेशा से रिपीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं पकड़ता हूँ फॉर एग्जांपल कि 417 दिन का अगर डेथ क्रॉस चलता है, तो जहाँ से हमारा डेथ क्रॉस स्टार्ट हुआ था 31 मार्च के आसपास स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हम अगर पकड़ के भी चलते हैं तो लगभग मिड ऑफ मे के आसपास हमारा ये डेथ क्रॉस हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और अगर इसी तरह से चलता रहा और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्डन क्रॉस, तो 2019 के अंदर तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने एक्सपेक्ट की हैं कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त बूम करेगा, लेकिन जो डेट है जो मंथ है वो
धीरे धीरे लैप्स होती जा रही हैं। लैप्स इसलिए होती जा रही हैं कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था ETF से कि ETF बहुत जल्दी आएगा, दिसंबर नवंबर की बात थी उसमें भी नहीं आया, वक्त की बात थी नवंबर दिसंबर में उस समय वो भी नहीं आया, उसके बाद से वो लैप्स हो गया, जनवरी में आया, वापस से मैसेज आता है कि वो डिलेड हो रहा है। तो उस हिसाब से डिलेड होने की वजह से सारी चीज़ें डिलेड हो रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि SEC के रेगुलेशंस के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो खतरा है। जब तक कि रेगुलेशंस पास नहीं होते हैं वो नहीं कर सकते। ISOs की बात करें तो नए नए ISOs इसके अंदर नहीं आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं कि 2018 में उन्होंने देखा था कि 97% ऑफ ISOs जो थे वो टोटली गार्बेज थे, ठीक है, जस्ट फंड कलेक्ट करना था, गायब हो गए, ठीक है। तो 2019 में ICOs भी जो आ रहे हैं बहुत फिल्टर होकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वर्टिकली, डेट इज़ 15th of January, आज की तारीख है, हम यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज इस तरह से जैसे कि वाइड है, मतलब कि वाइड चल रहा है, तो इसका अंदेशा यही है कि मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, बॉटम टेस्ट करेगा, ठीक है। सुबह भी हमें तो पता था कि बॉटम टेस्ट होगा, नीचे आएगा, लेकिन जैसे हम देखा कि एक ऊपर आई ग्रीन कलर की कैंडल आ गई बड़ी सी जो 3600 या 3680 मेरे ख्याल से 3720 के आसपास शायद हिट हुआ था, तो लोग खुश हो गए कि यार इतना ऊपर आ गया। लेकिन हमें पता रहता है कि वो जस्ट एक मैनिपुलेशन होता है और लिक्विडेशन करने के लिए होता है, वापस से वो रिवर्स आता है तो मार्केट वापस से रिवर्स आ ही जाता है उसके बाद, ठीक है। तो अभी भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट मेरे ख्याल से 3640 के आसपास चल रहा है। और तो यहाँ से जो लगता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चलेगा, इन साइडवेज यानी कि 36, 37, 38 और 4000 के आसपास बस ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ऊपर नीचे चलेगा। उसके अंदर हमें जिनको बिटमैक्स के अंदर करना है उसमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसी बीच में लगभग आप सोच सकते हैं कि ये बॉटम टेस्ट होगा, हो सकता है ये बॉटम टेस्ट बहुत जल्दी हो जाए और ये मंथ के एंड में या फैब में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5000 का मार्क ऑफकोर्स ये टच करेगा। जैसे ही 5000 का ये मार्क टच करेगा उसके बाद से हम एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली देख सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे हमारा एक गोल्डन क्रॉस देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही गोल्डन क्रॉस कंप्लीट होगा जो 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज जो वाइड चल रही है वो धीरे धीरे कम होगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडिकेटर वगैरह डाल के, तो आप अंदर से एक अंदेशा ले लेना कि ये डेथ क्रॉस ख़त्म होने वाला है, गोल्डन क्रॉस हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। ऑफकोर्स आएगा क्योंकि इतना लंबा नहीं चलता है डेथ क्रॉस ख़त्म होने का टाइम हो चुका है और यहाँ से गोल्डन क्रॉस आएगा और काफ़ी उम्मीद बनाई है कि इसमें काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा इस साल के अंदर। तो थोड़ा बहुत देर सवेर मेरे को लगता है शायद हो जाएगा और मई मंथ के आसपास जो रहा है वहाँ से हम थोड़ी चीज़ें स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2019 में ऑल्ट कॉइंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए 2018 के अंदर ऑल्ट कॉइंस जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, और जब जब BTC डाउन भी हुआ है तो भी ऑल्ट कॉइंस ने अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखी है। जो जो मजबूत ऑल्ट कॉइंस थे उन्होंने रेगुलरली प्रॉफिट तो दिया ही है 2018 के अंदर, ठीक है। आज की तारीख में देखते हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइंस हैं जो 10% 15% 60% 70% के आसपास प्रॉफिट दे देते हैं। तो 2019 होगा उसके अंदर अभी जो ऑल्ट कॉइंस होंगे वो अपना कमाल तो ज़रूर दिखाएंगे और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि BTC जो है अगर बॉटम पे आता है तभी उसको बाय वगैरह करना, वेट करिए। ऑल्ट कॉइंस जो है वो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं और ऑल्ट कॉइंस जो है इस साल 2019 के अंदर भी हम लोग को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट अगर हम कॉइन मार्केट कैप के टेबल पे जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैप क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, तो वो भी $122 बिलियन के आसपास है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मेरे ख्याल से 118 के आसपास आ गया था, फिर वापस से 122 हो गया है। BTC डोमिनेंस की बात करते हैं तो वो भी 52 और 53 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है क्योंकि साइड वेव चल रही हैं और बीच में जब थोड़ा बहुत उछाल आता है तो यहाँ पे आप और हम सब ग्रीन वगैरह देख लेते हैं। लेकिन वापस से आप लोग कहूँगा कि ट्रेड कॉशियसली, और जब आप बड़े बड़े ग्रीन और रेड बार्स देखते हैं तो उस समय ऑल्ट कॉइंस के अंदर थोड़ा एंट्री सोच समझ के लेना। इसलिए आज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में कहा था कि मैं कुछ रैपिड कॉल्स देने वाला हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा मार्केट मुझे शेकी लगा तो मैंने थोड़ा उसको होल्ड कर दिया कि अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और अगर थोड़ा बॉटम पे और आ जाएगा मार्केट तो हमें जो ऑल्ट कॉइंस हैं वो काफ़ी अच्छी रेटें मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है तो रात को 11-12 बजे के आसपास जब फॉरेन मार्केट्स भी जाग जाता है तो उस समय कुछ ऑल्ट कॉइंस को हम देखेंगे और रैपिड ट्रेड करेंगे। फटाफट आपको कॉल दूंगा
बाय वगैरह करने की कोशिश करना, और आपके हिसाब से जो भी आपको प्रॉफिट सही लगता है बुक करके आप निकल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट खबर है मार्केट में भी चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा क्रिप्टोपिया के बारे में, मालूम होगा कि क्रिप्टोपिया जो एक्सचेंज था इतना बड़ा नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा खासा एक्सचेंज था, वो हैक हो चुका है और उसके अंदर से और रिपोर्ट्स आएंगी अभी। एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है, इंक्वायरीज़ वगैरह चालू हो गई हैं, तो आई होप बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से क्रिप्टोपिया के ऊपर भी करते थे, क्योंकि क्रिप्टोपिया एक्सचेंज जो था वो मोस्टली उधर आपको छोटे मंझोले सारे ऑल्ट कॉइन्स मिलते थे और वो पंप एंड डंप के लिए यूज़ किया जाता था। तो आई होप अगर आप में से किसी का भी वहाँ पे अकाउंट हो तो वो सेफ़ हो और आपके जो फंड्स हों वो बहुत जल्दी आप लोग को मिल जाए। तो बात अगर यहाँ पे करते हैं कि सेफेस्ट एक्सचेंज की बात करते हैं, तो देखिए मुझे तो सबसे सेफ़ यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज लगता है, और क्योंकि बाइनेंस के पास देखिए पैसा बहुत है, तो जिनके पास पैसा बहुत होता है तो वो सिक्योरिटी मेजर्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं, उस पर अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। और बाइनेंस का सिस्टम काफ़ी अच्छा है कि कभी भी सिस्टम में अगर छोटी मोटी गड़बड़ी भी लगती है ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर, तो जो सिस्टम होता है वो सारे जो विड्रॉल्स होता है ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है, मतलब आप उसमें से कुछ पैसा ऐसा निकाल नहीं सकते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और किसी भी एक्सचेंज पे कितना भी अच्छा एक्सचेंज हो ज़्यादा फंड्स रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज इतना सेफ नहीं रहता है, ये चीज़ आपको हमको माननी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, और ऑल्ट कॉइन्स जो होंगे वो टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल के जो नाम हैं वो है ओपन फॉर प्रॉफिट और विक्टर्स पंप सिग्नल्स, ये दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर मिलेगी कि आने वाला जो मार्केट है किस हिसाब से रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।